There are many ways in which people express their views and make common understand what action they should take. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें लोग अपनी views को बताते हैं और साथ ही साथ government को ये भी एहसास दिलाते हैं कि उन्हें किस तरह के action लेने चाहिए. These include धरनास, rallies, strikes, signature campaigns, etc. तो वो क्या करते हैं अपने जो expressions उनको दिखाने के लिए कभी धरना देंगे, कभी रैली निकालेंगे, हड़ताल करेंगे या फिर उस पर्टिकुलर जो भी उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए कैंपेन चलाएंगे. थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड. जो चीजें नहीं अच्छी हैं या जो चीज गलत हो रही है उसका सामने आना बहुत जरूरी है. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवी आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गई और यहाँ तक कि टीवी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जिसमें आपको कई सारे गवर्नमेंट के इश्यूज के बारे में डिस्कशंस मिलते हैं सुनने को और यहाँ तक कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में भी आपको जानने को मिलता है. व्हाइल इट इज ट्रू दैट अ डेमोक्रेसी अलाउ द पीपल टू पार्टिसिपेट, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो. अब ये बात जहाँ तक सही है कि डेमोक्रेसी में लोगों को पार्टिसिपेट करना अलाउड है यानी हिस्सा लेना अलाउड है, पर ये जो है हर सेक्शन जो है लोगों का उसके लिए नहीं पॉसिबल है. अनदर वे ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू सोशल मूवमेंट्स दैट टू सीक चैलेंज टू द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग. दूसरा क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी फंक्शन को चैलेंज करना चाहते हो या गवर्नमेंट की वर्किंग को चैलेंज करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त हिस्सा लो, बल्कि आप जो है कुछ सोशल मूवमेंट्स भी चला सकते हो. Members of the minority communities, Dalits and Adivasis, women and others are often able to participate in this manner. ये कुछ इस तरीके के जो social movements होते हैं उसमें जो नीची पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासीज हैं, women हैं, ये जो है अपना इस तरीके से उसमें हिस्सा लेते हैं और अपने विरोध को दर्शाते हैं. If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. अगर country के लोग जो हैं वो alert हैं और वो ये इस बात में पूरा interest लेते हैं कि country किस तरह से run करी जा रही है, तो जो democratic character होते हैं government का, उस country का बहुत strong होता है. So the next time we will see a rally winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what are they protesting about. अगली बार अगर आप कोई ऐसी रैली देखो, चाहे आपके शहर में हो, गांव में हो या कहीं पर भी आपको सड़कों पे अगर लोग रैली निकालते हुए दिखाई दे, तो आप एक बार उसको रुक के ये तो देखो कि उसमें कौन लोग हिस्सा ले रहे हैं, किस बात के लिए वो जो है रैली को निकाल रहे हैं. दिस विल हेल्प अस टू गिव अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स. इससे हमें ये समझ आएगी कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम करती है. नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. In Maya's story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. अभी जैसे आपने माया की स्टोरी में पढ़ा कि किस तरीके से अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसमें कई बार हिंसा हो जाती है, इवन लोगों की जानें भी चली जाती है, क्योंकि होता क्या है एक ग्रुप जो है ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं भाई ये बिल्कुल सही तरीका है कि जो सामने वाला ग्रुप है अगर वो अपोज कर रहा है तो उसको रोकने के लिए हम फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजियंस, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर और व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ होती है, जब अलग अलग कल्चर के, रिलीजन के, रीजन के या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो एक साथ नहीं चलते हैं, एक साथ वर्क करना नहीं पसंद करते हैं या उनमें से किसी में ये फीलिंग आ जाए कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है. पीपल मे यूज वायलेंट मींस टू सेटल देयर डिफरेंसेस. कई बार लोग जो है हिंसक तरीके अपनाते हैं अपने इन डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए. दिस लेड टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया. अब उससे क्या होता है, आसपास उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके मन में भी डर और तनाव आ जाता है. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. अब यहाँ गवर्नमेंट की जो है मेन रोल होता है कि यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के इश्यूज को निपटाए. लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन अवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग देम. अब हम पढ़ते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है
उसमें किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं और किस तरह से गवर्नमेंट जो है अपना रोल प्ले करती है उनको सॉल्व करने में। रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। या तो धार्मिक प्रोसेशन निकाले जाते हैं या कभी कभार जो फेस्टिवल्स होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, वो भी कई बार हिंसा भड़का देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रूट ऑफ प्रोसेशन टेक्स विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं क्या कहते हैं किसी जगह से, किसी रास्ते से जो है हम अपनी प्रोसेशन को निकाल रहे हैं, हम अपनी जो क्या कहते हैं जो भी हम चीज ले जा रहे हैं उससे भी हिंसा भड़क सकती है। द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज टू मीट एंड ट्राई अराइव एट अ सॉल्यूशन। अब गवर्नमेंट का यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले गवर्नमेंट में अगर हम कहें तो पुलिस जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पर वो जो है जो भी कंसर्न कम्युनिटी है उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिले और फिर एक सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करे। एट टाइम्स दे आर फियर दैट वायलेंस मे इरप्ट विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स और ट्राइंग टू डिस्टर्ब द प्रोसेशन। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डर ये भी रहता है कि कहीं हिंसा ना भड़क जाए, कहीं लोग एक दूसरे पे पत्थर ना मारने लग जाएं, या जो प्रोसेशन निकल रहा है उसको जो है खराब करने की कोशिश करें। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डस नॉट टेक प्लेस। अब यहाँ पुलिस की पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है कि वो कोशिश करे कि इस तरह की हिंसा ना भड़के। रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। यहाँ तक कि नदी भी जो है दो राज्यों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती है। अ रिवर में बिगिन इन वन प्लेस फ्लो थ्रू अनदर एंड एंड इन अ थर्ड। अब नदी एक जगह से बह रही है, दूसरी जगह से निकल रही है और तीसरी जगह जाके मिल रही है। द शेयरिंग ऑफ अ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इश्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब इस तरह से क्योंकि नदी तीन जगहों से निकल रही है, आ रही है, पार हो रही है, तो क्या होगा, तीन लोग स्टेट जो है वो पानी शेयर कर रहे हैं, इसी बात पे झगड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब जैसे आपने भी एग्जाम्पल सुना हुआ कावेरी वाटर का लेके झगड़ा चल रहा है दो स्टेट्स के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु। द वाटर स्टोर्ड इन द कृष्णानगर डैम इन कर्नाटक इज यूज फॉर इरीगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटीज ऑफ बैंगलोर। जो वाटर कृष्णानगर डैम में स्टोर किया गया है कर्नाटक के अंदर, उसका काम कहाँ हो रहा है, सिंचाई विभाग वाले ले रहे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में पानी उससे जाता है, या फिर जो लोग रहते हैं बैंगलोर में उनकी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। द वाटर स्टोर्ड इन मेट्रो डैम इन तमिलनाडु इज यूज्ड फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट। अपर जो तमिलनाडु में मेट्रो डैम में क्या कहते हैं वाटर स्टोर किया गया है वो जो है खेती के काम में लिया जाता है, क्योंकि वहां का डेल्टा रीजन है, इस वजह से उस स्टेट में खेती के काम के लिए पानी को लिया जाता है। अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों डैम जो है एक ही नदी पे है। द डाउनस्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड इफ द वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटक। अब जो तमिलनाडु का जो डैम है वो थोड़ा सा डाउन साइड में है, तो वो तभी भरेगा जब ऊपर की तरफ से यानी अपस्ट्रीम से जो कि कर्नाटक है वहां से पानी रिलीज होगा। Therefore, both states can't get as much water as they need for people in their state. अब इसी वजह से क्या हो रहा है कि दोनों states को उतना पानी नहीं मिल पा रहा है जितना कि वहाँ के लोगों की जरूरत है। This leads to conflict. इसी की वजह से झगड़ा होता है। The central government has stepped in and see that a fair distribution is worked out for both states. अब इसी वजह से जो central government है उसने अब दखल दिया है और ये कोशिश कर रही है कि दोनों जो states हैं उनको जो है एक fair distribution मिल जाए पानी का, ताकि दोनों स्टेट्स जो है सही तरीके से काम कर सके। इक्वालिटी एंड जस्टिस। वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। एक और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कमिटमेंट है वो है इक्वालिटी और जस्टिस को लेके। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। इक्वालिटी और जस्टिस को अलग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन के लिए इन माया स्टोरी डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल। अभी आपने माया की स्टोरी में देखा तो क्या गवर्नमेंट इस आइडिया को सपोर्ट करती है कि सारे लोग इक्वल हैं? इन डॉक्टर अम्बेडकर स्टोरी डिड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल। या अगर हमने डॉक्टर अम्बेडकर की स्टोरी पढ़ रही थी तो उसमें हमें समझ में आया क्या जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी वो बताती है ये कि लोग इक्वल हैं। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ। जो पहले ये जो छूत प्रथा थी
कि हम अछूत हैं, हमको छुआ नहीं जा सकता, उसको जो है अब कानून के द्वारा बैन कर दिया गया है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज एंड इवन द चांसेस टू ऑफर प्रेयर। इस तरह के जो लोग थे या जो अनटचेबिलिटी को बिलोंग करते थे, उनको ना तो पढ़ने के लिए अलाउड था, ना ट्रांसपोर्टेशन मिलता था, ना मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, और ना ही उनको जो है वो प्रेयर करने का मौका दिया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर, whom you have read about earlier in this book and many others like him, realize that such practices may not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. अब जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हमने पहले पढ़ा था, या उनके जैसे और भी लोग थे, उन्होंने इस बात का रियलाइज किया या उनको एहसास हुआ कि अगर जब तक ये वाली प्रैक्टिसेस चलेंगी तब तक क्या होगा, ना तो हमें एजुकेशन मिलेगी, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, फिजिकल फैसिलिटी मिलेगी, तो उन्होंने बोला कि इन प्रैक्टिसेस को बंद करना होगा और तभी हमें न्याय मिल सकेगा और हम इन लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स विदिन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। गवर्नमेंट को भी इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि हाँ ये चीज गलत है, और फिर उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया इन लोगों के लिए सोसाइटी के अंदर जिनको कि हम कहते हैं अनइक्वल थी। फॉर इंस्टेंस इन अवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन अ गर्ल चाइल्ड। जैसे हमारी सोसाइटी में क्या है, एक आम तौर पर धारणा यह है कि जो लड़का होता है उसकी ज्यादा केयर करनी है, उसको ज्यादा वैल्यू देनी है बजाय एक लड़की की। दिस मीन्स द सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सोसाइटी में जो है लड़का और लड़की को एक समानता से नहीं ट्रीट किया जाता है, जो कि गलत है। In this context, the government steps to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice they are subjected to. अब यहाँ पर क्या हुआ, government ने जो है फिर अपना कुछ steps बढ़ाए ताकि लड़कियों को जो है न्याय मिल सके, एक special provision बनाए जिससे कि लड़कियाँ जो है इस अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सके जिसके वो जो कि उनके साथ होता है। Thus it is possible that fees for girls might be waived or lowered in the government schools और कॉलेजेस। इसी वजह से जो लड़कियों के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं उसमें जो है लड़कियों के लिए फीस या तो कम करी गई है या ज्यादातर माफ कर दी गई है। हाउ डू यू थिंक द लोअरिंग द स्कूल फीस वुड हेल्प द गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। अब आपको ये सोचना है कि क्या अगर स्कूल की फीस कम कर दी जाए तो क्या लड़कियां स्कूल अटेंड करेंगी। कैन यू थिंक ऑफ एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू हैव हेल्प समवन आउट ऑफ अ सिचुएशन विच यू थॉट वाज अनफेयर। कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपकी लाइफ में जहां आपने किसी की मदद की हो, जो कि या ऐसी सिचुएशन से उसे बाहर निकाला हो जो लगता हो आपको कि वो गलत है। Did everyone else see it the same way? क्या और लोग भी उसी तरीके से देखते हैं इस चीज को? What did you have to say to convince others that what you did was fair? और आप किस तरीके से लोगों को बताओगे, कन्विंस करोगे कि हाँ जो स्टेप आपने उठाया वो फेयर है। तो बच्चों, चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।